नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। जो हमारे क्लीनिंग वर्कर्स होते हैं उसके लिए हम लोगों ने ये सुना है कि पर्सनल हाइजीन ज़रूरी है, पर जैसे लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है तो हाइजीन ऑफ कंटिन्यूस टच सरफेस भी ज़रूरी है, जिनको बार बार हाथ लगाया जाता है। जैसे चेयर को बार बार हाथ लगाया जाता है, रेलिंग को बार बार हाथ लगाया जा रहा है, टेबल को हाथ लगाया जाता है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा कोई डिवाइस बनाएं जो जो क्लीनिंग वर्कर है उनको हेल्प करे। अदरवाइज़ क्या होता है, जो हमने ऑब्जर्व किया, मेरे खुद के ऑफिस में मैंने ऑब्जर्व किया है, तो वो स्प्रे सिस्टम लाते हैं, स्प्रे करते हैं और उसको इमीडिएटली वाइप कर देते हैं, तो उससे आपका क्लीनिंग नहीं होता बट फीलिंग होता है कि क्लीनिंग हुआ है। तो इसके लिए हमने एक ऐसा डिवाइस बनाया जिसमें क्लीनिंग भी हो, बाद में जो मैनुअल वाइपिंग भी हो और उसके बाद डिसइंफेक्शन भी हो। तो हमारा एम्फेसिस अभी इसमें है, क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन दोनों चीज़ों का। अदरवाइज़ जो मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हैं उनके पास एक ही टैंक होता है, वो आइदर क्लीनिंग करता है या डिसइंफेक्शन करता है। हमने जो सिस्टम बनाया उसमें दो दो टैंक रखे हैं, क्लीनिंग के लिए अलग से रखा है और डिसइंफेक्शन के लिए अलग से रखा है। और जो नोजल्स डिज़ाइन किए हैं ऐसा किया है ताकि पार्टिकल का जो साइज़ है वो छोटे से छोटा हो। अब क्यों पार्टिकल साइज छोटा चाहिए, जैसे हमारा लॉकडाउन शू इसलिए हुआ कि ताकि लोग ज़्यादा आपस में मिले नहीं और कोविड स्प्रेड नहीं हो, हम उसको उल्टा कर रहे हैं अभी। अगर हमें लगता है कि कोविड वायरस कहीं भी पार्टिकल में छुपा हुआ है तो इतने सारे पार्टिकल उसके ऊपर छोड़ो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो कोविड वायरस मर पाए, वो वाले इस हिसाब से कर रहे हैं। और सेम वॉल्यूम में हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा रहे हैं और उसका रीच बढ़ा रहे हैं। और रीच जब बढ़ा रहे हैं, जैसे आपको टेबल साफ़ करता है तो कभी बीच में उसकी टांग नहीं साफ़ करता है, चेयर का कुछ नीचे वाला साफ़ नहीं करता, तो उसमें सब्जेक्टिविटी आ जाती है। तो हमारा जो सिस्टम है उसमें सब्जेक्टिविटी बिल्कुल मिनिमाइज़ की गई है, यूनिफॉर्मिटी रखी गई है और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी गई है। तो उसमें कुछ फिक्स नोजल्स हैं, कुछ फ्लेक्सिबल नोजल्स हैं और साथ में हैंड ऑपरेटेड और हैंड हैंडल भी दिया गया है ताकि आप अपना रीच और बढ़ा सकते हैं। जब उसको खोलते हैं तो उसका करीब 3 से 6 फीट दूर तक जा सकता है। और दूसरा, हमने जो रिसर्च किया कि काफ़ी टाइम लोग बिल्कुल पास से स्प्रे करते हैं, तो जब पास से स्प्रे करते हैं तो काउंट बहुत कम होता है पार्टिकल्स का और कवरेज भी बहुत कम होता है। तो हमने जो सिस्टम बनाया है उसमें 1 to 2 feet का डिस्टेंस रहता ही है जहाँ जहाँ स्प्रे करने वाले होते हैं, तो इसलिए कवरेज एरिया भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो अगर से कहा जाए तो CDC गाइडलाइन पर्टिकुलरली इंडोर के लिए दोनों चीज़ें लिखी हैं कि क्लीनिंग भी होना चाहिए और डिसइंफेक्शन भी होना चाहिए। मोस्टली लोग क्या करते हैं, या तो क्लीनिंग करते हैं या डिसइंफेक्शन करते हैं। तो ऐसा यूनिट ज़रूरी है जो क्लीनिंग भी पूरा करे, नंबर ऑफ जम्स को कम करे और फिर जम्स को किल भी करे। जो क्लीनिंग करते हैं तो जम्स किल जनरली नहीं होते, वायरस किल नहीं होते हैं, बट जब डिसइंफेक्ट करते हैं तो किल हो जाते हैं, दे गेट किल। उस हिसाब से ही हमारा पूरा सिस्टम है और दो वर्जन इसलिए बनाए गए हैं, एक तो बैटरी ऑपरेटेड, जो छोटे छोटे डिवाइसेस हैं, आप इलेक्ट्रिक केबल बार बार चेंज नहीं कर सकते, एक दरवाजे एक डोर से दूसरे डोर, तो छोटा सा बैटरी ऑपरेटेड रखा है जिसका 2 से 4 घंटे लाइफ रखा है। दूसरा बड़े से यार्ड्स के लिए है, बड़े से यूनिट्स के लिए है, वो इलेक्ट्रिक केबल से चलता है। और हमने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं तो पार्टिकल साइज़ छोटा से छोटा कैसे किया जाए, तो उसमें नोजल डिज़ाइन भी किया और बीच में हमने न्यूमेटिक प्रेशर भी लाए हैं। तो एक होता है पम्प जो मार्केट में मिलते हैं, उससे जब नोजल अच्छा बनाया जाता है तो पार्टिकल साइज़ कम हो जाता है। दूसरा, अगर उसकी रीच और बढ़ानी है और छोटा पार्टिकल करना है तो आपको न्यूमेटिक प्रेशर लाजमी देना है। तो हम लोगों ने एक को ओनली पम्प सिस्टम में बनाया है बट नोजल बहुत अच्छा किया है, दूसरे को नोजल भी अच्छा किया और न्यूमेटिक प्रेशर भी साथ में दिया है। इसलिए हमने एक डिवाइस का नाम रखा है बैटरी ऑपरेटेड डिसइंफेक्शन यूनिट, दैट्स अ BPDS, और दूसरे का रखा है पॉमिट। तो मुझे लगा कि पॉमिट कोविड के लिए बहुत एफिशिएंट है, बहुत अच्छा है। जो पॉमिट है वो न्यूमेटिकली ऑपरेटेड मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन यूनिट है, तो वो दोनों अगर यूज़ किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा हो तो पर्टिकुलरली क्लीनिंग वर्कर्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छा हेल्प मिलेगा और उनको एक अच्छा फील भी होगा कि उनको कोई जल्दी जल्दी काम हो पा रहा है। उस हिसाब से इम्पॉर्टेंट है।